बिना मैं लेंस लगा रही थी और मेरी आई में इतनी चुभन हो रही है ना, पता नहीं, मुझे लगता है मेरे लेंस की डेट जो है ना एक्सपायर हो चुकी है, अब न्यू लेंस लेने का टाइम आ गया। बाय द वे एक साल हो गया, एक साल की गारंटी होती है आई थिंक नज़र वाले लेंस की, तो अभी मैं सोच रही हूँ न्यू लेंस लेनी चाहिए मुझे। हनी ऐसा हो सकता है कि कैमरा ऑन हो और ये हमारे बच्चे पहली बार में सुन लें हमारी बकवास सुन लें पहली बार में? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हमारी इंसल्ट कौन करेगा फिर, है ना हनी? अच्छा फ्लैश लग रहा है ना इसलिए आईज नहीं ओपन हो रही, वैसे इसकी वैसे भी ओपन नहीं होती है। इधर देखो ना जरा मेरी तरफ, हनी ऊपर देखो। नहीं जी, ढीठ बंदा, दुबला बुगला। माशाल्लाह ट्रिमिंग करवा के ना इसका फेस माशाल्लाह और प्यारा प्यारा लगता है, मतलब हेयर नहीं होते ना पूरी बॉडी पे, सिर्फ फेस पे होती है, इतने प्योर लगता है, इतना प्यारा लगता है। फिर ये प्यार करवाने आया वो, आयशा से प्यार करवाने जा रहा है। देखो आयशा के साथ बड़ी जल्दी अटैच हो जाता है ये, देखो इस तरह ऐसे ही होना चाहिए, हमारे साथ यही होना चाहिए। बच्चे आप दूसरों को ये अटेंशन दिया करो, हमें ज़रूरत भी नहीं है आपकी अटेंशन की, आपको हमारी अटेंशन चाहिए होती है, हमें आपकी नहीं। वैसे मुझे तो बहुत ज़रूरत होती है इनकी अटेंशन की, और देखो कितना शोखा बन रहा है ये, जानबूझ के मुझे जेलस फील करवाता है कि देखो मैं तो उसके साथ प्यार कर रहा हूँ, और इसके हैंड देखो कितने गंदे नज़र आ रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऊपर छत से आया ना इस वजह से मेरा गंदा बेबी। प्यार कर रहे हो आयशा से मोहब्बत है उसको, और आयशा का देखो, आयशा बड़ी खुश होती है कि हनी मुझसे प्यार कर रहा है ना, आयशा मेरा हनी आयशा से प्यार कर रहा है, वाह जी वाह। मैं आयशा को कह रही हूँ आयशा व्लॉग बना ले। आयशा इतनी ढीट है, सुनती नहीं है, है ना आयशा? ढीट हो ना, इधर शक्ल दिखाना आप अपनी, ढीट हो ना आयशा, बस सच चीज़ बताओ कुछ। नो जी, ढीट नहीं हो तो चलो फिर आज व्लॉग बनाओ, सारा व्लॉग आयशा ने बनाया। अगर ये ढीट नहीं ना है तो ये व्लॉग बनाएगी, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, ढीट नहीं हो तो व्लॉग बनाओ, अगर ढीट हो तो ना बनाओ, ठीक है आयशा? चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये ढीठ है ना आयशा? और अभी हाँ, अभी आइसक्रीम लेकर आई है चोकोबार, तो अभी मुझे कह रही है आप खा लो। वैसे दुनिया की कोई चीज अभी हाँ हमें देती नहीं है, आज पता नहीं क्यों दे रही है, किस खुशी में दे रही हो आज? वैसे दे रही हो, मतलब कोई खुशी नहीं है, वैसे दिल किया, मतलब अपना दिल किया तो दे रही हो। वैसे इसे कोई कहेगा ना अभी हाँ अपनी चीज खिला दो, अभी कही मैंने नहीं दे रही, जा रही है जी अंदर कमरे में लेके नूडल्स का भरा हुआ बाउल, चलो मैं खाने लगी हूँ। अब मैं जितनी खाऊंगी ना उतनी दिखाना, ठीक है? इतनी मैंने खाई है। ओह वेरी गुड, अब आयशा बाजी ने भी खा ली और ये मैं खा रही हूँ, और अभी अभी हाँ खुद से खाने लगी है। वैसे आइसक्रीम में किसी के साथ शेयर करने का दिल तो नहीं करता, मैंने पहले दफा किया किसी का शेयर नहीं करता, तो फिर दूसरों को क्या? मेरा भी वैसे मुझे चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। अच्छा ठीक। और इतनी देर से ना ये इसको भी अपने साथ आइसक्रीम खिला रही है, मैं बाहर थी और मोहतरमा इसको भी आइसक्रीम खिला रही है, इसको भी बीमार करना है अपने साथ साथ। नहीं होता बीमार ये, ये देखो कितने शौक से खा रहा है हनी, वो मेरे बेचारे बच्चे बीमार हो जाओगे आप। अच्छा मुंह देख रहा था, आ गई खाने के लिए, मुंह देख रहा था तो मतलब इसको भी, और ये भी आ गई है, चलो चलो खाओ। अच्छा मेरे मुन्ने के से, मेरे मुन्ने से छीन के इसको दे रही हो? कोई हनी की है, नेक्स्ट ईयर खाती हो। शिवू मेरा मुन्ने नहीं, हमने आप अपनी मम्मा को कहना आपको मंगवा के देंगे, हमने दे दिया। आप फिर ना कैसे खा रहा है कितने शौक से, ओए होए होए होए, वो नहीं मेरा मुंह देख रही है। ये दोनों भाई ऐसे खाते हैं हनी और मून, है ना? मून भी ऐसे खाता है, मून भी ऐसे, मून तो छीन है। ओनी को देखो, ओनी आपको गुस्सा आ गया? ओनी का गुस्से वाला मुंह देखो, ओनी को बुरा लग रहा है कि इसको दे दिया मुझे नहीं। आइसक्रीम नहीं खाते, गंदी होती है आइसक्रीम, ये लो। अब देखो थोड़ी सी रह गई है तो इसको भी दे रही है, वो नखरे दिखा रही है, आप कहते हैं मैंने नहीं खानी, दफा हो जाओ। मोहतरम जनाब बखिदमत साहिब नीचे आके अब इसने ऐसा इनोसेंट फेस बनाया हुआ है जैसे किसी को तंग ही नहीं करता। पहले ये अंदर जाता है मेरी हैमस्टर के साथ छेड़ाछाड़ी करता है, फिर बाहर जाता है जब हम दरवाजा बंद कर देते हैं, छेड़ाछाड़ी कहते हैं बदतमीज, तुम्हें नहीं पता तो ना, फिर बाहर आता है, फिर कॉकटेल्स को तंग करता है, फिर उनको वो क्या नाम है जो ऊपर वाले हैं, फिर ऑस्ट्रेलियंस को तंग करता है। ये इतना बदतमीज है और इसका मुंह देख के कोई कह नहीं सकता कि ये शरारतें करता है। देख ले जैसे हम झूठ बोल रहे हैं, बेचारे पे इल्जाम लगा रहे हैं रोजा रख के, और आज मामा
मशीन लगाई थी, इसने आज मामा को भी इंतहा का तंग किया ऊपर। ओए चिन्ने, ओ ये तो मासूम सा बच्चा है, कोई मानेगा ही नहीं कि तंग करता है। वो बस मामा ऐसे ही कहती है, थप्पड़ लगाने ऐसा है। चलो जाए, चलो जाए जहाँ। इफ्तारी के बाद इशा भी हो गया और अब हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर उनको ये ड्रेस देने के लिए। एड्रेस नहीं, ड्रेस देने के लिए। पता नहीं मेरे मुंह से मुझे लगता है कि मैं ड्रेस के बदले ना एड्रेस कह रही हूँ, पता नहीं क्यों बस मुझे ऐसा लगता है। और आई थिंक मैं कहती भी हूँ अक्सर औकात, ज़्यादातर नहीं अक्सर, जैसे मुझे लेक्चर देने की आदत है। अच्छा मैं ना काफ़ी दिन से नोटिस कर रही थी मेरे जो मतलब मैंने ड्रेस चेंज किए हैं ना वो पिंक 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 मैंने थंबनेल देखे हैं, तो माशाल्लाह से तीनों ड्रेस मैंने मतलब पूरा वीक जो है ना मैंने तीन ड्रेस पहने और तीनों ही पिंक 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 पिंक। तो अभी मुझे सैम भी कह रही थी कि तुम ना सेम सेम ड्रेस पहनती रहती हो, ऐसा लगता है कि सेम सेम मतलब एक ही ड्रेस में ना तुमने इतने ज़्यादा ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ जो होता है ना वो सेम ही लगता है। हाँ वो थंबनेल में ना कोई चेंजिंग ही नहीं नजर आती, इस वजह से मैंने सोचा आज थोड़ा चेंज करके पहन लिया, थोड़ा नहीं मतलब काफी ज्यादा चेंज। और मैं इस चीज का लाज नहीं जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है ध्यान रखनी कि अब मैंने ब्लू पहना ना, इसके बाद मैंने ब्लू नहीं पहना, इसके बाद मैंने डिफरेंट कोई पहनना है, मैं इस तरह से चेंज करती रहती हूं मोस्टली विंटर्स में। तो मोस्टली हमारे हाँ तुम्हें तो बड़ी शौक है विंटर में, तो मोस्टली हमारे ड्रेसेस जो है ना ब्लैक ब्लैक में होते हैं, मतलब ब्लैक ब्लैक सिर्फ मैं दुपट्टा चेंज कर लेती हूँ, उसके अलावा ड्रेस जो होते हैं ना मेरे मोस्टली ब्लैक ही होते हैं, मतलब जीन्स होगी या पैंट होगी जो भी होगा वो ब्लैक ब्लैक में ही आ जाते हैं ज्यादातर, लेकिन समर में ब्लैक भी व्हाइट हो जाते हैं। सही बात है, हकीकत है। कितने तुम बदतमीज हो ना, ये बात क्यों बता रही हो, ब्लैक लिया ये व्हाइट इसलिए लेती है क्योंकि उसमें बाल लगे नजर नहीं आते। अच्छा चलो जो भी है, तो हम अभी टाइम हो रहा है पौने दो, और अभी हम कटिंग वगैरह करके मतलब जो ड्रेस रहते थे एक दो ड्रेस थे वो मैंने आज कटिंग की है, और अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ और एंड भी कर लेती हूँ। हाँ हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हाँ मुझे लगता है स्टोरेज आ जाएगी, स्टोरेज आ जाएगी, लेकिन इसने मुझे ब्लॉग का एंड नहीं करने दिया। सो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, चलो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।